अमेठी में रिटायर्ड टीचर की शिकायत पर महिला डीआईओएस पर स्मृति ईरानी भड़क गई, जहां उनके भड़कने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक ऐसी घटना का वीडियो ये है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे स्मृति ईरानी किसी से फोन पर बात कर रही हैं और आसपास खड़े अधिकारी सन्न हैं और एकदम चुप हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वायरल हो रहा ये वीडियो। आप अगर चाहती हैं तो मैं चीफ सेक्रेटरी से सलाह देती हूँ, मुझे आप मार्च का इनका पेंडिंग क्यों है वेतन? रीता जी, मैंने कहा ना आपसे, मैं कागज जाना शुरू कर दूं? मैं कागज की अगर आपको एक एक करके रीम और पेपर और फाइल लाना शुरू कर दूंगी, और अगर ये प्रूफ हो गया फाइल पे कि आपने जानबूझ के नहीं किया आदेश के बावजूद, आप मुझे बताइए फिर। मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे मैं आग्रह कर रही हूँ, टीचर्स की ओर से आपको भी बताए कि आप यहाँ धक्के खा रहा है शिक्षक, और अगर आप मुझे 10 मिनट का सुना रही हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी आप, इसी से पता चल जाता है कि अगर आपने सांसद कैबिनेट मंत्री तो छोड़ दीजिए, अगर आपके सांसद के यहाँ से फोन आके आप 10 मिनट मुझे शिक्षक कितना खराब है ये बता रहे हैं या उनको कितनी गलत फहमी हो रही है बता रहे हैं, तो आप इनका तो क्या हाल करती होंगी, और थोड़ी तो दया, क्या उम्र है आपकी? ठीक है जी, 72 साल का शिक्षक मेरे सामने खड़ा है, आप यंग ऑफिसर है ना कंपैरेटिवली, तो अगर आप सांसद से 10 मिनट तक बहस कर रही हैं तो इस 72 साल के रिटायर्ड शिक्षक का तो आपने क्या हाल किया होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बुजुर्ग व्यक्ति और इस कड़ाके की ठंड में आकर अगर अपना अधिकार मांगे तो कृपया उसे उसका अधिकार दे दीजिए, योगी की सरकार भी देना चाहती है, गतिरोध मत बने। तो देखा आपने कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर गुस्से में नजर आई। उन्होंने रामदेपुर गांव में चौपाल लगाई, दूर दूर से लोग अपनी शिकायत लेकर वहां आए। इसी दौरान एक बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसने अपने बकाया एरियर के भुगतान न होने की शिकायत की और कहा कि कई महीनों से जिला विद्यालय निरीक्षक यानी डीआईओएस ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और उसके बाद क्या था, स्मृति ईरानी ने गुस्से में महिला डीआईओएस को फोन लगाया और जमकर फटकार लगाई, कहा कि समस्या का समाधान जल्द होना चाहिए, जिसके चलते शिकायतकर्ता बेहद खुश नजर आए और अधिकारी सन्न नजर आए।